वहीं अगर अब बात फोकस करें हम एग्री कमोडिटीज के अंदर, एग्री कमोडिटीज जो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन काफी गिरावट के साथ कारोबार करती दिखाई दी थी, अब जैसे जैसे कारोबारी दिन बढ़ते जा रहे हैं उसमें वापस से खरीदारी देखने को मिली है। काफी कमोडिटीज ऐसी हैं जो अपने लेवल्स को मेंटेन किए हुए हैं, अपने सपोर्ट लेवल को मेंटेन कर कारोबार करती दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले बात करें कैस्टर की, लगातार 6000 का स्तर होल्ड किए हुए है कैस्टर। और वहीं अगर नवंबर वायदा की बात करें तो नवंबर वायदा भी 6100 के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी बाजारों में हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। 6100 के ऊपर बाजार है, 6000 का स्टॉप लॉस और 6000 के स्टॉप लॉस के साथ 6300 के टारगेट के लिए कैस्टर में बाइंग में नवंबर वायदा में रहा जा सकता है। वहीं अगर बात करें बिनोला खल की तो आज बिनोला खल में भी खरीदारी आई है, 1% की तेजी बिनोला खल में भी देखने को मिली है और दिसंबर वायदा 2500 के पार पहुंच चुका है। बिनोला खल अब जल्द ही 2600 तक ऊपर जा सकता है। बिनोला खल में 2600 के टारगेट के लिए इसको खरीदारी करके चला जा सकता है। नीचे में 2480-2400 का स्तर मिले तो वहां पर बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं अगर बात करें धनिया की, मसालों के अंदर धनिया एक ऐसी कमोडिटी थी जो तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज सभी मसाले वापस से हल्के लाल रंग के साथ कारोबार की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जो एक्सपोर्ट डिमांड्स निकले थे वो कहीं ना कहीं दब गए हैं, जिसकी वजह से मसालों के अंदर जो तेजी आनी चाहिए थी वो तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी भी जो एक उम्मीद है कि फेस्टिवल सीजन में डिमांड पिकअप हो सकती है, उसके चलते एक बाउंस बैक आ सकता है। धनिया की बात करें तो नवंबर वायदा अभी भी 8000 के ऊपर है, नीचे में 7800 से लेकर ऊपर में 8200 की रेंज फिलहाल धनिया के अंदर देखने को मिल सकती है। निचले स्तरों पर धनिया में भी खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है। धनिया के साथ साथ हल्दी फिलहाल बाइंग से दूर रहे, क्योंकि अभी इसमें अब बहुत ज्यादा मोमेंटम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि 7200 से लेकर 7400-7500 की रेंज में कारोबार करती दिखाई दे रही है, तो फिलहाल हल्दी के अंदर इसी रेंज में ट्रेडिंग एक्सपेक्टेड है कि आगे एक हफ्ते तक देखने को मिल सकती है। हल्दी के अंदर फिलहाल बाइंग को अवॉइड करें। हल्दी के साथ जीरे में भी उठापटक का माहौल है, जीरा भी लगातार एक रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, 14000 के ऊपर है, लेकिन 15000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो जीरे में भी अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाकर चलना चाहिए। इसके अवज में कपास के अंदर अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, कपास की काफी जगह पर फसलें भी खराब हुई हैं, आगे माना जा रहा है कि कपास में और ज्यादा तेजी बन सकती है, अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है एक्सचेंज के ऊपर वायदा में MCX पर। वहीं हम NCDX में भी कपास के अंदर आज भी 2.5% की तेजी देख रहे हैं और इसका असर सीधा बिनोला खल पर भी आता दिखाई दे रहा है, तो कपास के अंदर फिलहाल खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है। निचले स्तरों पर कपास के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। वहीं अब एडिबल ऑयल पैक पर नजर डालें तो एडिबल ऑयल पैक के अंदर भी खरीदारी लोटी है। सबसे ज्यादा गिरावट जिस कमोडिटी ने दिखाई अब उसी में ही तेजी भी बनती हुई देखने को मिल रही है। सोयाबीन जो लगातार दबाव दिखाई दे रही थी जो कमोडिटी, अब उसमें वापस से निचले स्तरों पर खरीदारी आई है। नवंबर वायदा में भी 1% की तेजी तो दिसंबर वायदा भी 1% से ज्यादा यानी कि 1.5% के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन के अंदर फिलहाल रणनीति होनी चाहिए बाइंग की, निचले स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता दिखाई दे रहा है ऊपर में ज्यादा से ज्यादा जो तेजी बनेगी 5800 से अगर के लेवल को सस्टेन कर जाता है तो 6000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं दिसंबर वायदा में। नवंबर से दिसंबर वायदा में ये तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव नहीं है। नवंबर वायदा भी अगर देखें तो 5600 के आसपास है, 5600 का वायदा जो है वो 5800 तक मैक्सिमम अपसाइड पकड़ सकता है, वहां पर वापस से आपको फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। खाद्य तेलों में फिलहाल खरीदारी को अवॉइड करें, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगर चाहें तो बाय कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बिकवाली की ही रहनी चाहिए, ऊपरी स्तरों पर माल को बेच कर चलना चाहिए। वहीं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें तो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के अंदर भी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की जा सकती है। रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के अंदर भी दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इस हफ्ते के दौरान जो है थोड़ा बहुत तेजी जरूर बनी है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, 1400 के नीचे है। नवंबर वायदा तो मुझे लगता है नीचे में 1340 से 1320 की रेंज देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगर सरसों की तो सरसों में भी बाजार के अंदर खरीदारी आई है। आज इंट्राडे में सरसों के अंदर एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है।
सरसों को फिलहाल खरीदारी की तरफ जाया जा सकता है। नवंबर वायदा की बात करें तो ऊपर में 8600 तक बाजारों में जो ये ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है तेजी का, तो 8600 तक ऊपर एक बार सरसों जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल सरसों के अंदर भी खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है, 100 से 200 पॉइंट की तेजी के लिए सरसों के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं अगर नॉन एग्री कमोडिटी के साथ एग्री कमोडिटीज के आज इंटरडे की स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज इंटरडे में एक दो कमोडिटी ऐसी है जो आपको आने वाले दिनों में फायदा दे सकती है। बिनोला खल एक ऐसी कमोडिटी आप जो यहाँ से तेजी में पकड़ सकते हैं, तो बिनोला खल में आप फ्रेश एंट्री लीजिए। दिसंबर वायदा में बाय करके चला जा सकता है, 2600 पहला टारगेट रहेगा। अगर 2600 अचीव होता है तो बिनोला खल वापस से 2800 तक की तेजी पकड़ सकता है, तो बिनोला खल के अंदर बाय किया जा सकता है। वहीं एक कॉम्प्लेक्स है ग्वार, जिसके अंदर लगातार तेजी बनी हुई है। एक बार फिर से ग्वार 10,000 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है, तो ग्वार के अंदर अभी भी खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। 10,000 के ऊपर गम देखने को मिल रहा है, अगर इस बार 10,300 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो ग्वार गम में वापिस से तेजी बन सकती है, जो कि ऊपर में 10,500 से लेकर 11,000 के स्तर हो सकता है देखने को मिले। ग्वार गम ग्वार सीट के अंदर भी खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। आज इंट्राडे में सबसे अच्छी कॉमोडिटी जो लग रही है वो है बिनोला खल। बिनोला खल में आप खरीदारी करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।